परवरदिगार हर लम्हा माफीदा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाजिर ते सलाम अर्ज करदा। सज्जणों ते भराओ, सब तो पहले जी इमरान खान साहब ने अज हाफजाबाद जलसे नाल खिताब किया। उन्होंने अज खिताब किया, ज़्यादा वो खिताब जिहड़ा वा दीन दे मुतलक आवाम नू अवेयरनैस दे मुतलक उन्होंने गल्लां कीतियां कि साडा मुल्क किस बेस उत्ते बनिया सी, कलमा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह ते असी बेस करते हैं और इहदी वजह दे नाल रियासत मदीना जिहड़ी आ उह किन्नी जरूरी आ और उहदे वास्ते साडे जिहड़े मुल्क दे विच की कुछ कीता गया पिछले गुज़श्ता जिहड़े साल गुज़र चुके आ उहनां दे विच। उन्होंने फिर इस गल दा इतराज़ कीता कि पाकिस्तान जिहड़ा अपने असल मकसद तो हट गया। असल मकसद जिहड़ा पाकिस्तान दा सी ओह इही सी कि जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादा सी या अहकामा सी उन्हां ते अमल करदे ते अज आ दिन असी ना देखदे जिहड़ा सानू देखना पै रिहा। साडी कौम अखलाकी तौर पर तबाह हो गई, साडा मुआशरा तबाह हो गया, करप्शन आम हो गई, इंसाफ जिहड़ा ओह साडे मुल्क च डुब गया। फिर उन्होंने सब तो बड़ी गल जिहड़ी कीती, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दे विच आज़ाद खारजा पॉलिसी जिहड़ी लियाण वाला मैं बंदा बहुत देर तो बाद मैं इस गल ते आया कि पाकिस्तान दा हर मुल्क दे नाल दोस्ती होनी चाहिए, हर मुल्क दे नाल मुहब्बत प्यार होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। उन्होंने उस तो अलावा जिहड़े आ अपने उत्थे तरक्याती प्रोजेक्ट आ उन्हां दा सताव भी कीता, कुछ थोड़ी बहुत जिहड़ी नोक पलक जिहड़ी उन्होंने अपोजिशन दे भी कीती आ। लेकिन ज़्यादा अज जिहड़ी तकरीर आ उन्होंने जिहड़ा एक किस्म की तबलीगी तकरीर की आवाम आवाम जिहड़ा अवेयरनैस देने की कोशिश की आ, जिहड़ा नौजवान आ उन्हूं यह गल कही आ कि जदों तक अपना जमीर अपना अंदर नहीं जागेगा उस वक्त तक साडा मुल्क का जिहड़ा नौजवान आ तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर उन्होंने सब तो बड़ी जिहड़ी गल की आ वो ये आ कि पाकिस्तान एयरफोर्स जिहड़ी आ उहदे नाल मिल के वो एक यूनिवर्सिटी जिहड़ी टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रोग्राम के उत्ते काम कर रहे आ और एयर मार्शल चीफ साहब जिहड़े आ उन्होंने इस गल का उन्होंने वादा किया वा कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ी फजाई एयर जिहड़ी आ मतलब हवाबाजी के मुतलक जिहड़ी टेक्नोलॉजी आ उन्नू जिहड़ा वा उन्होंने यूनिवर्सिटियां तालीम दी जाएगी ताकि जिहड़े त्यारियां दी टेक्नोलॉजी आ नवें त्यारे बनाने की या ड्रोन बनाने की या दूसरियां जिहड़ियां चीज़ां असीं बाहरले मुल्कां च अरबा रुपया जिहड़ा असीं जिहड़ा भेज दिंदे आ और असला खरीदने वास्ते वो पाकिस्तान से जिस तरह हम JF-17 बनता वा और इस तरह होर जिहड़ा असला बनता पाकिस्तान च वाह फैक्ट्री दे विच इस तरह ही हुण जिहड़ा मजीद इहनू एडवांस किया जाएगा और ये यूनिवर्सिटी बना के उत्थे बच्चों नूं तालीम दी जाएगी ताकि वह बच्चे जिहड़े आ आने वाले वक्त च पाकिस्तान का एक सरमाया होण और पाकिस्तान वास्ते वह तरक्की की मंजिल वल पाकिस्तान नूं लै के चलन। इस तों अलावा जनाब जिहड़ी गल करन वाली आ वो ये है जी कि काफ लीग जिहड़ी आने जिहड़ा वा हजे तक कोई वाजे सबूत नहीं दिता। इमरान खान साहब जिहड़े आ पुरअतमाद आ और इहदे नाल नाल एक चैनल की बड़ी खबर आ जी जिहड़ा कि मैं मतलब कि उन्हूं कन्फर्म सुनता मैं लई आ लेकिन मैं उन्हूं हजे कन्फर्म इस तो नहीं कर सकता कि वो आने वाले वक्त तो बाद पहले जिहड़ी गल कर देनी आ वो कीती गई आ बड़े एंकर ने कीती आ और बड़े चैनल के उत्ते बह के उन्होंने की आ कि एक इस्लामी दोस्त मुल्क जिहड़ा उन्हें इस गल के उत्ते पैगाम भेजिया साबका जिहड़े आर्मी के बड़े अहदे दे उत्ते सी उन्हां दे कोल कि तुसी जिहड़ा वा पाकिस्तान की जिहड़ी समझो कि बड़ियां ताकतां वा उन्हां नूं पैगाम भेजिया कि इस वक्त इमरान खान साहब का रहना जिहड़ा पाकिस्तान में बहुत जरूरी आ। ये मैसेज इतना बड़ा और इतने बड़े दोस्त मुल्क ने यह मैसेज दिता कि हुण मेरी गल तकरीबन तुसी समझ गए होवोगे। इस तो अलावा उन्होंने कहा कि असी भी ये चाहते हैं कि असी अमरीका की गुलामी तो बाहर निकलीए और उन्हां दो मुल्कां ने पिछले दिनों दे विच अमेरिका नूं मूँह तोड़ जवाब दिता। अमेरिका ने उन्हां नूं तीन तीन दफ़ा फोन किया लेकिन उन्हां मुल्कां दे जिहड़े बादशाह वा उन्होंने फोन सुनन तो इनकार कर दिता। हुण गल सारी तकरीबन तुहानूं समझ आ गई। इस तरह चाइना दे कुछ जिहड़े आ सरकारी अदारे वह तो खामोश आ लेकिन जिहड़े उत्थे जिहड़े थिंक टैंक आ या उन्हां दे जिहड़े राइटर दा उन्हां दा टिल्ट जिहड़ा वा वह इमरान खान साहब वल नज़र आ रहा। इमरान खान साहब की हमायत कर रहे आ, उहदी वजह
ਉਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫੜਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਔਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕਰੀਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹੇ ਰਾਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਫੀਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ, ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਸਿਰਫ਼ ਔਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਫ ਲੀਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਵੀਟ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਟਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਦੇ ਮਨਸਬ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MNA ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਕਾਨ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਚੂ ਚੂ ਕਾ ਮਰੱਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਇਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ MPA MNA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ
पंजाब च तब्दीली होएगी तो फिर जरा वजीरे आला होएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होएगा। अगर तुसी इन्हां नूं इतिहाद बना के इन्हां नूं वजीरे आला दी जिहड़ी मनसब है सौंपोगे असी बगावत करांगे। ये हुण इस कहानी दे ओ कल दी वीडियो मेरी सुनोगे तो तुहानूं काफ लीग का पीपल पार्टी का जिहड़ा कोलिशन बनता नज़र आता वो बिल्कुल तुहानूं वाधे मैं उस बयान किया। अज की तुहानूं सिचुएशन मैं जिहड़ी आ ओ वाधे करदा वा कि परवेज लाई दे उत्ते नवाज शरीफ साहब जिहड़े आ वो एग्री नहीं कर रहे। उन्होंने पता कि अगर परवेज राय साहब जिहड़े आ वो आ गए बरसरे इकतदार तो मुस्लिम लीग नून दे विच झाड़ू फिर जाना। ये जिहड़े उन्होंने थिंक टैंक आ वह भी ये गल जानते। इस तरह शहबाज शरीफ साहब जिहड़े आ उन्हां दी मजबूरी आ जदों बंदा फसिया हुंदा उदों अगली पार्टी जिहदा प्रैशर हुंदा वा उह तों बचण वास्ते वह 1000 हरबे इस्तेमाल करता। अगर शहबाज शरीफ साहब जिहड़े आज़ाद होंदे तो कभी भी इस गल ते कंप्रोमाइज़ ना करते या हाँ भरते जिदा जरदारी साहब नूं कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इत्थे दो सोच हैगियां, एक तां जिहड़ी मुस्लिम लीग का एक ग्रुप वा वह जिहड़ा ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके शहबाज शरीफ साहब जिहड़े आ मनसबे आला तक पहुँचण यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी तक उन्हां दी रसाई हो सके। दूसरा पंजाब दे विच हमजा शहबाज शरीफ जिहड़े आ वह वज़ीर आला बन जाण, ये वो ग्रुप नहीं चाहता। घर का ग्रुप वा गल सारी तुहानूं मैं दसी आ हुण इहदे विच डिवाइड आ। तुहानूं ये पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिहड़ी आ दो हिस्सों तकसीम है, एक एक मरियम बीबी का ग्रुप आ ते एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप आ। इस तरह खिचड़ी जिहड़ी आ पक्की होई आ, इहदा हुण अंजाम देखो की हुंदा। अज हफ्साबाद च इमरान खान साहब ने यह गल कही आ कि मेरे नौजवानों तुसीं पुरअतमाद रहना, इंशाल्लाह मैं हर तरह तुहानूं मायूस नहीं करांगा, ये अदमतमाद जिहड़ी आ इह नाकाम होएगी। बाकी हुण डी चौक दा जलसा जी उहदे ते नज़रां लगियां होईआं। अपोजिशन जिहड़ी आ उहदी वैसे इह ज़्यादती आ कि अगर उत्थे उह जलसा करदी आ फिर जिहड़ा कि तसादम होण दा खतरा इत्थे अदारिआं नूं जिहड़ा वा उहनां नूं मतनबे करना चाहीदा वा और उहनां नूं सख्ती नाल मना करना चाहीदा, या पहले कर लैण या बाद दे विच कर लैण। या देखो जी इमरान खान साहब ने डी चौक के जलसे का ऐलान उन्हां नालों पहले किया, उहदा मुकाबले च अगर जलसा करोगे ज़ाहरी गल आ उत्थे जिहड़ा जिन्ना भी इजतमा हुंदा वो चार्ज हुंदा जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी होणगे, वो जिहड़ी पीडीएम के कारकुन भी होणगे, उत्थे खून खराबा होएगा और बेसिकली जिहड़े गैर मुल्की एजेंडा वा उहदे तहत वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान च ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, खून खराबा भी हो जाए और हुकूमत भी टप्पल हो जाए। और इत्थे जिहड़ा अदारिआं नूं सोचना चाहिए, वो अदारे जिहड़े आ वो जदों कन्न च फूक मरणगे तो दूसरे कन्न दे विचों जी धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, फिर गल समझ जाएंगे कि असी आ हरकत नहीं करनी वरना इहदा अंजाम बुरा होएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जिहड़े आ उहनां नूं ये गल नहीं समझ आती, वो मुकम्मल तौर पर अपनी किश्तियां जला के वो कहिंदे मुलक रवे ना रवे इमरान नहीं रहना चाहिदा। ये है जी मौलाना साहब का मुद्दा, मौलाना साहब की जिहड़ी सियासत आ वो इस नहज ते पहुँच चुकी आ कि आप तो 3.5-4 साल तो घरों बाहर आ, लेकिन वो कहिंदे आ कोई भी घर वापस ना जाए, सारे जिहड़े सड़कां ते सौण ते सड़कां ते रुलदे रहण। ये आ मौलाना साहब की सियासत जी और इहदा नुकसान मौलाना साहब नूं अन करीब जाके उस वक्त होएगा जदों इलैक्शन नज़दीक आ जाएगा। अगर ये अदम-ए-इत्माद नाकाम हो जाती आ तो मौलाना साहब फसाद ते उतर आएंगे, अगर ये कामयाब हो जाती आ तद भी कंपीटीशन पै जाना, इमरान खान साहब दोबारा फिर जिहड़े आ वज़ीर आज़म वास्ते जिहड़ा वा कैंडीडेट होणगे जी, और हो सकदा वो इन्हां दे इस धक्के तों बाद अव्वल तां ये नौबत आनी ही नहीं जी। जिदां दी मैं तुहानूं खबर दित्ती आ कि जिहड़े मेन मुलक आ वह जिहड़े आ हुण खड़े हो गए आ, रिटायर्ड जिहड़े आर्मी दे अफसर आ वह खड़े हो गए, वह कहिंदे फैसला ही गलत आ, ये जिहड़ी गल हो रही है ये साजिश हो रही है और इहदे मतलब अदारियां कोल शवाहद जिहड़े आ बहुत मौजूद आ। वो सानूं तां उन्ना पता ही नहीं हैगा जी जिन्ने उन्हां दे कोल हैगी आ, कुछ आडियो आ कुछ वीडियो आ कुछ जिहड़े सौदे करदे होए MPA MNA आ जिहड़े पैसों के विकते उन्हां दी आडियो वीडियो भी हैगियां जी। वो अन ये हो सकदा डी चौक वाले जलसे च इमरान खान साहब वो जिहड़े बंदियां दीआं आडियो वीडियो कुछ रिलीज़ कर देण, वो ये भी मतवक्का वा और ये तो उम्मीद की जा सकती आ। अज शहबाज गिल साहब ने जी अपने खिताब दे विच उन्होंने जिक्र किया खास तौर पर फैसलाबाद गोजरा टोबा टेक सिंह जी इन इलाकों का जिक्र किया और इहदा मतलब यह आ कि इत्थे दे जिहड़े MNA MPA आ जी उहदे विच हुण किहड़े किहड़े बंदे आंदे, राजा रियाज ग्रुप होया गोजरे किहड़ा बंदा जी, वो तुसीं आप समझ जावो
इस तरह ही कमालिया उत्थे केड़ा बंदा जी जिदे जिन्हों ये शबाद गिल साहब ने वार्निंग दी आ वो मतलब कि मुलाकात भी करके आए आ रियाज फतियाणा साहब, लेकिन वो बावजूद रियाज फतियाणा साहब जिहड़े आ उन्हां दे मतलब अज शबाद गिल साहब ने समझो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने टोबा टेक सिंह का नाम लिया। तो टोबा टेक सिंह चो इको बंदे का नाम इस वक्त आ रहा, होर दूसरा बंदा है ही कोई नहीं जी। टोबा टेक सिंह च एक जिहड़ा वड़ैच ग्रुप आ जी वो तरीन ग्रुप के नाल, दूसरा जिहड़ा फतियाणा साहब आ ये आ, बाकी राजा रियाज ग्रुप आ जी फैसलाबाद तो ये बंदे आ जी। इस तरह जी एम क्यू एम उन्हें जिहड़ा फैसला किया, उन्होंने कहा जी असी न्यूट्रल आ जी। जिस गल तो कल परसों का फसाद पाया सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने या जी अपोजिशन आ के न्यूट्रल के लफ्ज़ में इमरान खान साहब ने गलत जी तशरीह बयान की आ, फौज पर अटैक करता, अज उ लफ्ज़ जरा वा एम क्यू एम ने इस्तेमाल कर दिता वा। उन्होंने हुण तेल देखो तेल की दाव कहते भी सानू तो उ कुछ ही लभना, मतलब गल कर कि अगर तुम जित जाओगे तो असी थोड़े नाल, नहीं तो जिथे असी बैठे हाँ असी इज्जत ना बैठे रहना। हुण इतों गलां तुहानू आप समझ आनी है शुरू ते जिस तरह का तरीकाकार पाकिस्तान दे विच पीडीएम अख्तियार करेगी इमरान खान साहब उतों उतों दे होकर जिहड़े उन्होंने टक्कर रहे हैं फिलहाल तक। तो बाकी कह मैं जिहड़ी गल कहिंदे कह के वीडियो खत्म करदा कि किस्मत दे नाल जिंदगी मौत और कुर्सी तख्त और तख्ता जिहड़ा ये अल्लाह लिखदा अमला दे नाल लिखदा, अमल तो मुराद ये तुहाडियां नीयतां नाल लिखदा। और मैनू ये उम्मीद आ कि जिहड़ा देखो एक बंदा जिहड़ा तुहाडा ये लीडर आ इहने कदी तुहानूं ये गल नहीं कही, अज भी उन्होंने कहा कि मैं टमाटरां दा भाव या होर चीज़ां दा भाव नहीं दसण आया। लीडर तुहानूं कौम नूं एक सोच दिंदा कि ए मेरी कौम ए सोच पकड़। उन्होंने रियासत मदीना की सोच दिती आ, उन्होंने गैरत की सोच दिती आ कि अपने अंदर गैरत पैदा करो और जिहड़ी तुसी 72 साल तो गुलामी दे विच जकड़े होए वो गुलामी जिहड़ी खत्म करो। ये गल उन्होंने अपनी कौम नूं अज अज दे जलसे दसी आ। हुण इस तों अगे जी आप हिसाब ला लिओ जी, बाकी अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, कल मुलाकात, जींदे रहे तो होएगी जी।